हम बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे के अंदर में हमने डिसाइड किया है कि एक बड़ा आपको पैक मिलना चाहिए, क्योंकि प्यार में जो इतने बड़े पैक में देते ना। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. And before we start this episode, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। थंबनेल आपने पढ़ लिया, कैप्शन आपने पढ़ लिया, आपको पता है मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं किस और बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने लास्ट वीडियो में समझ गए होंगे। तो बात यह है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों की 10,000 सब्सक्राइबर होने पे मैं कुछ गिव अवे, मैं कुछ सरप्राइजिंग रखूंगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कि गिव अवे रखूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो जो प्यार दिया ना, आई लव यू सो मच, यानी कि इतना प्यार देने के बाद मेरा तो बनता ही है। तो मैंने पहले कुछ छोटा गिव अवे सोचा था, लेकिन जब देखा मैंने यार एक वीडियो के बाद में लास्ट वीडियो बनाया था तब 10,000, अब 12,000, और अभी तो ये तो पूरा वीक बचा है, तो आई एम श्योर बाय द टाइम ये वीडियो लाइव होगी 14-15 हज़ार कर दोगे आप लोग। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जब कोई मेहनत करता है और उसको फल मिलता है तो फल बड़ा टेस्टी रहता है। और टेस्ट से याद आया कि मैं टेस्टी चीज़ आपको कुछ देने वाला हूँ फ्री गिव अवे में, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट जंप करके लास्ट में चले आओ, क्योंकि मैं किधर भी गिव अवे डाल सकता हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, गिव अवे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है टॉप 5 प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियन। बात करते हैं इससे पहले कि ये प्रोटीन सोर्स बताने से पहले कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार जो वेजिटेरियन है ना उनकी बॉडी नहीं बनती है, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बिकॉज उनके हर प्रोटीन सोर्स के अंदर में या तो कार्ब्स रहता है या तो फैट रहता है। अब मैं आप लोगों को ऐसे 5 प्रोटीन सोर्स बताऊंगा जो बहुत ही सस्ते और इजीली अवेलेबल है आपके आसपास में ही, और उसके अंदर में आपको डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी काउंट आपको कौन सा प्रोटीन सोर्स कब लेना है। यानी कि मैं ऐसे भी बताऊंगा जिसमें फैट हाई है, ऐसे भी बताऊंगा जिसमें फैट लो है। इसके साथ साथ मैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट और कैलोरीज भी बताऊंगा पर 100 ग्राम। सो बात करते हैं नंबर 1 प्रोटीन सोर्स जो सबसे फेमस है, यानी इससे फेमस प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन में कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है, वो है पनीर। अब पनीर की बात करें तो पनीर बहुत जगह पे ऐसा भी मिलता है जो होता है लो फैट, और बहुत जगह पे ऐसा होता है जो नॉर्मल डेयरी पनीर होता है। तो जो मैं डेयरी पनीर की बात कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि पनीर में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है और कितना फैट है। लेकिन अगर आप लो फैट पनीर लेते हो तो वेल एंड गुड, वो थोड़ा सा जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। तो इट्स ऑल योर चॉइस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको फैट इंटेक इतना नहीं करना है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। जो नॉर्मल पनीर होता है अगर हम लोग उसको 100 ग्राम, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गलती कर दो, बिकॉज आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो और मेरी गलती की वजह से आप लोग कुछ उल्टा सीधा खा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो 100 ग्राम पनीर के अंदर में आपको मिलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी डाल दे रहा हूँ, 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको मिलते हैं 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। ये तीनों जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आप इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 पकड़ सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि कहाँ से आप लेते हो। और जैसे कि मैंने बोला आप लो फैट पनीर लेते हो तो ये जैसे 25 से हो सकता है उसमें 10 होगा, 12 होगा, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है। अगर आप 100 ग्राम पनीर की कैलोरीज काउंट करते हो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अंदर आती है 289 कैलोरीज। आप लिख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 2 प्रोटीन सोर्स की। जो नंबर 2 प्रोटीन सोर्स में आप लोगों को बताने वाला हूं वो है दाल। किसी भी तरीके की दाल ले लो, 100 ग्राम की अप्रोक्स वैल्यू है आपकी, वो है 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 56 ग्राम ऑफ कार्ब एंड 1 ग्राम ऑफ फैट। इसकी टोटल कैलोरीज होती है 321। अब बात ये है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें 19-20 हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूँ, क्योंकि हर दाल के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो आप लोग ये अप्रॉक्स वैल्यू पकड़ के कर सकते हो, और ये स्पेशली मेरा मकसद ये है कि बताना कि कौन से ऐसे 5 प्रोटीन सोर्स है जो आप लोग अपनी रेगुलर डाइट में यूज कर सकते हो बींग अ वेजिटेरियन, और अच्छी बॉडी बना सकते हो। अब जिसमें कार्ब्स हाई है, जैसे दाल में कार्ब्स हाई है, पनीर में फैट हाई है, दाल में फैट लो है, पनीर में कार्ब्स लो है, तो इसी तरह आपको बैलेंस करना है, वो आप स्मार्ट इनफ हो करने के लिए। बात करते हैं नंबर 3 जो है किडनी बीन्स, जिसके अंदर में है 22 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम, जिसके अंदर में 59.4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर में 1 ग्राम ऑफ फैट, जिसकी टोटल कैलोरीज होती है 334.6
कैलकुलेशन करता हूँ ना मैं एकदम डॉट, लेकिन फिर मैं बताऊंगा ये अप्रॉक्स वैल्यू है। उसके बाद में अगर हम नंबर फोर की बात करें तो थोड़ा सा मेरे पास में ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन मैं नंबर फोर की आपको बात कर देता हूँ, वो है स्प्राउट। बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, इतना अच्छा प्रोटीन सोर्स जिसको यानी कि खाने का मजा ही अलग होता है अगर सही तरीके से कुक किया जाए। 100 ग्राम स्प्राउट के अंदर आपको मिलता है केवल 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 62 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ फैट, जिसकी टोटल कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम इज 353। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर आपके डाइट अगर आप गेनिंग पे हो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज गेनिंग पे हम लोग ऑलवेज 1:2 का रेशियो रखते हैं प्रोटीन एंड कार्ब्स के बीच में, बट अगेन इट्स ऑल अप टू योर बॉडी। अब ये हो गया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, चार हो गए, अब बात करते हैं नंबर फाइव। लेकिन ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें मैं दो प्रोटीन बताऊंगा जो आपकी चॉइस है, आप इसको नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स भी कर सकते हो, या फिर आप नंबर फाइव कर सकते हो। मैं खत्म करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको नंबर फाइव क्यों बताया। इससे पहले अपन थोड़ी बात कर ले गिव अवे की, क्योंकि नंबर फाइव बाद में रखना है ना अपने को, तो हम बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे के अंदर में हमने डिसाइड किया है कि एक बड़ा आपको पैक मिलना चाहिए, क्योंकि प्यार भी तो इतने बड़े पैक में देते ना, तो लाइक भी ठोका करो, शेयर भी किया करो। अभी आपको करना क्या है गिव अवे के अंदर में, वो कुछ भी नहीं करना, मैं पहले आपको बता दूं गिव अवे मिलना क्या है। गिव अवे में आपको मिलने वाले हैं 2.4 केजी का पीनट बटर अल्पिनो की तरफ से, थैंक यू अल्पिनो फॉर गिविंग अस दिस कोलैबोरेशन। और आप लोगों को पता है इंटू न्यूट्रिशन ने मेरा फेवरेट फ्लेवर लॉन्च किया है, जो एक्सक्लूसिव मेरी स्टोर पे अवेलेबल है एसओएस पे, जिसका नाम है चॉकलेट हेजलनट। सो 2 केजी का ये है, सो 2 केजी का प्रोटीन, 2.4 केजी का पीनट बटर, और उसके साथ में आपको मिलता है एसओएस का न्यूली लॉन्च स्टिल शेकर। तो ये जो 3 गिव अवे है, ये सिर्फ एक विनर को नहीं, ये 3 विनर को मिलेंगे। अब ये गिव अवे में एंटर कैसे करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना होगा, नीचे लिंक दी हुई है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, वहां पे मैंने एक वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह पार्टिसिपेट करना है। 3 लकी विनर को ये, यानी कि एक दो तीन नहीं मिलेगा, तीनों को इतना इतना मिलेगा, यानी कि 1, 2, 3, 3 × 3, समझ गए आप, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उससे पहले पांचवा मैं तो बाकी है, ये कैसे भूल सकते हो। तो पांचवा सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो है एगी। अगर आप लोग एगिटेरियन हो, कंप्लीट वेजिटेरियन नहीं हो, तो आप ले सकते हो एग वाइट्स या फुल एग। अगर आप एग वाइट्स लेते हो तो आपको पर एग सिर्फ एग वाइट के अंदर में मिलता है 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 0 ग्राम ऑफ फैट। लेकिन अगर आप फुल लेते हो, ऑफ कोर्स आपको डिसाइड करना है कि आपके डाइट में क्या सूटेबल है। अगर आप फुल लेते हो तो पर एग मिलता है फुल एग में 5.5 to 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0.6 ग्राम ऑफ कार्ब एंड 5 ग्राम ऑफ फैट। अच्छा, ये जो फैट है ये रिक्वायर्ड इसेंशियल गुड फैट है, ऐसा नहीं है कि ये गंदा वाला फैट है, चर्बी नहीं जाते साथ अंदर बढ़ जाएगी, इट्स अ रिक्वायर्ड गुड फैट। कभी कभी आपके डाइट में कुछ ऐसे फैट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए आप लोग अगर फैट नहीं कंप्लीट कर सकते तो बाहर से आप जैसे बहुत सारी चीजें लेते हो, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन ये जो फैट है आप ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये फैट लेना है या नहीं लेना है, अगर लेना है तो आप फुल एग खाइए, नहीं लेना तो आप एग वाइट खाइए। अब बात करते हैं अगर आप एगिटेरियन नहीं हो तो, दे रहा हूं ना भाई वे प्रोटीन यार, एक सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन है, 5.5 ग्राम BCAA एंड 4 ग्राम ग्लूटामाइन है, और मैं ही आपको दे रहा हूं। तो अब अगर आप एगिटेरियन हो तो ये छठा हो गया आपके लिए, अगर आप एगिटेरियन नहीं हो तो ये पांचवा हो गया। देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए पार्टिसिपेट करिए, जीतिए, और उसके साथ में मेरी गेनिंग का राज भी दे रहा हूँ और मेरी दुकान का शेकर भी दे रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता ना। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, और जो वेजिटेरियन लोग हैं जो मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आई होप आप लोगों की जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो पूरी हो गई हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक प्लीज बता दो, यार इतना कन्फ्यूजन होता है ना वीडियो बनाने के लिए मुझे कि पूछो मत। लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी क्या करना है वो तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।